Konnichiwa Minasan, Yokoso Isshoni Gambaru. Welcome to Isshoni Gambaru. ये ऑनलाइन जापानीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्रामर लेसन 3 की। N5 मिन्ना नो निहोंगो टेक्स्ट बुक्स को हम रेफर करेंगे। लेट्स स्टार्ट हजीमे माशो। द फर्स्ट हमारा है पैटर्न कोको सो को असो को कोचीरा सोचीरा एंड अचीरा। ये जो कोको सो को असो को है, ये हम जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि यहाँ वहाँ उधर, जो भी हम किसी चीज को अगर हमको दिखाना है, जैसे हम यहाँ बुक है, यहाँ मोबाइल है, वहाँ स्कूल है, वहाँ मीटिंग की रूम है, वहाँ स्टेशन है, ये जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, वैसे ही अगर हमको यही सब जैपनीज में कहते वक्त हम यहाँ वहाँ उधर के लिए हम कोको सोको और असोको को यूज करते हैं। कोको मतलब दिस प्लेस, यहाँ, द प्लेस वेयर द स्पीकर इज, मतलब जो बोलता है उसके नजदीक जो है वो कहेगा कोको, यहाँ ऐसे। देन सोको मतलब वहाँ जो सुन रहा है उसके नजदीक जो रहता है ना, कि हम अरे उधर आपके वहां है ना सोको, वैसे मतलब लिसनर के नजदीक रहेगा, दैट टाइम वी आर यूजिंग सोको। बट वो अब जो बोल रहा है, जब हम बात करेंगे तब तो हमारे यहाँ से लंबा, लेकिन जो लिसनर है उसके बाजू में, सोको। एंड देन असोको, असोको मतलब जो स्पीकर है और लिसनर है, मतलब जो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं उस दोनों के भी नजदीक नहीं, दोनों के भी दूर है, दैट टाइम वी आर यूजिंग असोको। द प्लेस फार फ्रॉम बोथ स्पीकर एंड द लिसनर, है ना इजी। देखो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वैसे ही को सो को असो को, यहाँ वहाँ उधर। देन है हमारा कोचीरा सोचीरा एंड अचीरा। कोचीरा ये एक डायरेक्शन, जो स्पीकर है उसके वहां का डायरेक्शन बताते वक्त कोचीरा, यहाँ, दैट वे, वहां से। सोचीरा द डायरेक्शन नियर द लिसनर इज, एंड अचीरा द डायरेक्शन फार फ्रॉम द स्पीकर एंड द लिसनर, दोनों के डायरेक्शन से लंबा जो है अचीरा। कोचीरा सोचीरा एंड अचीरा ये फॉर्मल वर्ड है कोको सोको और असोको के, है ना। पोलाइट एंड पोलाइट, फॉर्मल जब हम कहेंगे तब हम ये वर्ड्स यूज करेंगे, और कोको का, कोचीरा ये फॉर्मल वर्ड होता है कोको का, सोचीरा ये फॉर्मल वर्ड होता है सोको का, एंड अचीरा इज अ फॉर्मल वर्ड फॉर असोको। सेकेंड पैटर्न है हमारा एन वा प्लेस देस। एन वा और प्लेस आएगा और देस, जैसे इस पैटर्न इज यूज टू एक्सप्लेन वेयर अ प्लेस और अ थिंग्स और पर्सन इज, मतलब वो व्यक्ति कहाँ है, वो प्लेस कहाँ है, वो समथिंग चीज कहाँ है ना। एग्जाम्पल देखेंगे, कोको वा क्योशित सुदेस, कोको कोको के लिए हमने क्या कहा था, यहाँ यहाँ क्लासरूम है, कोको वा क्योशित सुदेस। सेकेंड एग्जाम्पल, काइगिशित्सु वा असोको देस। काइगिशित्सु मतलब क्या है, कॉन्फ्रेंस रूम या मीटिंग रूम। मीटिंग रूम ओवर देयर, वहां है, उधर है। यामादा सान वा निकाई देस, ये है कि सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, हम वहां वहां है नहीं कहेंगे ना। हम मतलब यहाँ आप सोचोगे कि यहाँ कोको सोको असोको क्यों नहीं आया, तो ये एक फ्लोर है, तो फ्लोर को हम
जापानीज में कहेंगे नी काई, मतलब सेकेंड फ्लोर, काई इज अ काउंटर, सो नी काई मतलब सेकेंड फ्लोर। यामादा सान जो है वो सेकेंड फ्लोर पे है, हम तभी वहां यहाँ वहां यूज नहीं करते हैं। थर्ड पैटर्न है एन वा दो को और दोचिरा देश का। नाउन मतलब जैसे हमने देखा था ना, वेयर प्लेस थिंग्स, और जो आएगा वो यहाँ आएगा और क्वेश्चन पूछते मतलब कहाँ है, तो दो को और दोचिरा ये यूज करेंगे। दोचिरा कैन ऑल्सो बी यूज फॉर आस्किंग वेयर, इन विच केस इट्स पोलाइट देन दोको। दोको तो और दोचिरा दोनों यूज कर सकते हैं, बट हम पोलाइट जब यूज करेंगे तो इंस्टेड ऑफ दोको वी आर यूजिंग दोचिरा। एग्जाम्पल देखेंगे, काइगे शित्सु वा दोचिरा देस का, विच डायरेक्शन इज द मीटिंग रूम, मीटिंग रूम कौन से डायरेक्शन में है। So answer is Achira desu, is over there. Moving to second example, Kaidan wa doko desu ka? Where is the staircase? Soko desu, it's there. So answer deite vakt bhi hum dekho, doko aur dochira question aaye jab pucha jata hai where, so hamare answer Achira, Soko, को है ना, ये फॉर्म में आते हैं। दोको एंड दोचिरा ये जो यूज होता है, ये हम कंट्री के नाम के लिए यूज होता है, कंपनी के नाम के लिए और अदर प्लेसेस के लिए यूज होता है, वहां हम नान यूज नहीं करते। नान का मतलब व्हाट होता है ना, क्या क्या है ना, तो हम वहां नान ही नहीं यूज करते, मतलब कंट्री कंपनी और अदर प्लेसेस के बारे में जब हमें क्वेश्चन पूछते हैं दैट टाइम हम दोको और दोचिरा यूज करेंगे। सो एग्जाम्पल देखते हैं, ओकुनी वा दोचिरा देश का, मतलब आप कौन से कंट्री से हो। कुनी मतलब कंट्री, तो ओकुनी ये हम देखेंगे ओ हमने क्यों यूज किया है, तो ओ कुनी वा दोचिरा देश का, सो आंसर इज इंडो देश, मतलब मैं इंडिया से हूं। वैसे फोर्थ पैटर्न है एन वन नो एन टू। सो मतलब नो का पैटर्न आपको याद होगा, बहुत इजी है ना, मतलब कंपनी की है ना। वैसे देखो देखते हैं हम, और N1 मतलब कंट्री अगर आता है और N2 वहां प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट इज मेड इन दैट कंट्री, तो कोई एक प्रोडक्ट है वो जो कंट्री ने बनाया है। सो देखो कैसे है, अमेरिकानो का बाग, मतलब कैसे कहेंगे हम अमेरिका की बैग, तो की है ना, कौन से कंट्री से है ये बैग, सो हम कहते हैं ना अमेरिका की बैग है, सो अमेरिकानो का बान। सेकेंड एन वन अगर कंपनी है, नो एन टू प्रोडक्ट, मतलब ये कंपनी का प्रोडक्ट के टाइम, प्रोडक्ट इज मेड बाय दैट कंपनी। इटालियानो बूट्सु मतलब इटालियन के शूज है ना, और एन वन वेयर मतलब कहां से, नो प्रोडक्ट कहां का प्रोडक्ट है, सो हम कैसे कुछ ये करेंगे, कोरेवा दोको नो कुरुमा देस का, मतलब ये कार कहां की कार है, ये कहां की कार है। सो आंसर इज निहोन नो कुरुमा देस, अब कैसे कहेंगे, जापान की कार है। सो देखो एन वन नो एन टू, इजी है ना ये पैटर्न भी, और हमने अदर लेसन में भी हमने नो का यूज देखा हुआ है, वो
बहुत यूजफुल है और ये डेली कॉन्वर्जेशन में यूज किया जाता है। द फिफ्थ पैटर्न ओ मतलब ये एक रिलेटेड जो लिसनर है ना उसके बारे में मतलब टुवर्ड्स दैट पर्सन हम रिस्पेक्ट बताते हैं। सामने वाला हम से अनजान है या और बड़े हैं कोई है ना। जैसे हमने देखो पहले एग्जाम्पल देखा था ओ कुनीवा दोचीरा देस का, अब रिस्पेक्टफुल बात करते हैं सामने वालों से है ना। आप कौन से कंट्री से हैं, सो आप कंट्री ऐसे पूछते हैं ना हम सेम हिंदी में भी ओ कुनीवा दोचीरा देस का। ऐसे जैसे आपका अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं या ट्रेन में है तो हम बाजू में जो बैठे हैं उनसे हम अपना नाम पूछते हैं। सो हम कैसे पूछेंगे, वो नामाएवा नांदेस का, वो नामाएवा मतलब आपका नाम क्या है। जैसे हम रिस्पेक्टफुली बात करते हैं हिंदी में वैसे ही जापनीज में वो नामाएवा नांदेस का ऐसे हम पूछते हैं। सो होपफुली कि आपको समझा होगा ओ ये कहाँ यूज होता है। यस पैटर्न तो हमारे खत्म हुए। हम थोड़ी सी प्रैक्टिस लेते हैं सो दैट आपको और एडिशनल हेल्प हो सकती है कि ये पैटर्न कैसे यूज होता है। सो यहाँ एक देखो एग्जाम्पल काइशा वा नानी नानी देस का ऐसे आता है और आंसर है देखो असोको देस। असोको मतलब उधर है। देखो ऑप्शन क्या है, दो को नान कोको। सो हम पूछते ना वेयर, तो आंसर इज दो को। काइशा वा दोको देस का, तो आंसर इज असोको देस। ओकुनी वा नानी नानी देस का, सो आंसर में निहोन देस। तो कंट्री पूछते वक्त हम क्या यूज करेंगे, हम असोको यूज करेंगे या दोचीरा यूज करेंगे या नान यूज करेंगे। यस बराबर करेक्ट, द आंसर इज दोचीरा है ना। कंट्री के लिए हम पूछते आप कौन से कंट्री से हो, सो दोचीरा। मूविंग टू थर्ड, कोनो कामेरा वा नानी नानी देश का। देखो ये कैमेरा है ना। देखो यहाँ क्या है आंसर, आंसर से भी आपको समझ में आएगा कि हमें क्या यूज करना है। सान मान हसेनियन देश, देखो आंसर से पता चल रहा है कि ये प्राइज है बराबर। तो प्राइस के लिए हम क्या यूज करते हैं, दोको नान या इकुरा बताइए। यस राइट, द राइट आंसर इज इकुरा मतलब हाउ मच ये कैमरा कॉस्ट या कितने का है। सो कॉस्टिंग के लिए हम पूछते हैं इकुरा हाउ मच कॉस्ट। सान वन हसेन एन इस मतलब 38,000 का ये कैमरा। अरिगातो गोजाइमाश्ता मीना सान, थैंक यू सो मच, ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा। ये वीडियो अगर आपको यूजफुल हो रहा है आपके नॉलेज में या मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ या आपको समझने में आसानी हो रही है तो इश्शो निगम्बारो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, माता ने।